आज हमारे साथ एक एज यूजुअल, जैसे कि आपको हर बार मिला रहा हूं, तो आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे हर्षित केडिया जुड़े हुए हैं। हर्षित, आर यू देयर? यस, थैंक वेलकम हर्षित। यू गाइस सर। गुड मॉर्निंग ऑल। गाइस एंड गर्ल्स, गुड आप मॉर्निंग। वेलकम दो कर दो हर्षित जी मॉर्निंग को, ऑल। हर्षित भैया को। मॉर्निंग भैया। वेलकम वेलकम भैया। भैया। वेलकम थैंक वेलकम भैया। यू। वेलकम जल्दी जल्दी हर्षिता। जल्दी जल्दी जल्दी। वेलकम वेलकम भैया। थैंक यू। हेलो हेलो हर्षित, कहाँ यस से हो आप, क्या करते हो, क्या कर रहे हो? यस सर। चलिए, पूरा ओपन एंडेड है, जो आपको दिल में आता है वो बताइए। ओके सर। सो बेसिकली माय नेम इज हर्षित केडिया। सो आई क्लियर्ड माय चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द पास्ट ईयर नवंबर 22 विद एन ऑल इंडिया रैंक 48। सो आई एम फ्रॉम बराकर वेस्ट बंगाल, बट आई फॉर माय एकेडमिक्स आई स्टेड इन कोलकाता। तो मैंने कोलकाता में ही रहके अपने पूरे सीए जर्नी की प्रिपरेशन की। फिर यहाँ से सीए पास करके मुझे आईटीसी लिमिटेड में मैनेजर फाइनेंस की जॉब मिली एंड मुझे एग्री बिजनेस में लॉट किया गया, जिसके लिए मैं अभी गुंटूर आंध्र प्रदेश। सो आई एम वर्किंग हेयर हेयर फॉर द रोल ऑफ मैनेजर फाइनेंस। और बताओ, खाली हो गए क्या? नो, लाइक बेसिकली लाइक सबके जस्ट व्हेन आई वाज आल्सो स्टूडेंट। सो मेरे संग भी ऐसा ही रहता था कि लाइक जब पढ़ने बैठना है तो इट्स इज लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी एंड हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी मस्ट बी क्लियर। सब एक बार एक रोड मैप बना के फिर बैठूं तो बहुत सही रहता है। तो इनिशियल सेवन स्टार्टिंग में सीए फाइनल जब अराउंड 2.5 उस समय रोड मैप उतना क्लियर नहीं एक था। मिनट हर्षित, आपका आवाज है ना क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा मेरे को ही लग रहा है कि सबको लग रहा है। नहीं अरे सर, सर, नहीं क्लियर नहीं नहीं आ है, रहा। क्लियर नहीं क्लियर है, नहीं आ अटक रहा। क्लियर रहा है, नहीं आ रहा। थोड़ा अटक क्लियर रहा है आवाज आवाज। अच्छा, कम भी आ रहा है सर। हाँ ओके, अब सही आ रहा है क्या आवाज? जी हाँ अब सही हाँ है। ठीक है। ये ब्लूटूथ का प्रॉब्लम हो सकता है, आप या लैपटॉप में हो? यस सर, लैपटॉप में। आप नॉर्मल बात करो ना, छोड़ दो ब्लूटूथ। हाँ, बिल्कुल बस। अब आवाज आ रही है मेरी क्लियर? थोड़ी बेटर आ रही है। हाँ तो जैसे मैं बोल रहा था कि जब इनिशियली मैंने अपना सीए फाइनल का फिर से प्रिपरेशन बोलो, एक्चुअली थोड़ा क्लियर समझ नहीं आया। आप जैसे समझ आया कि बस आपका ऑल इंडिया रैंक 48 आया, यहां तक समझ आया था। ओके। सो लाइक प्रीवियस नवंबर 22 अटेम्प्ट में आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 48। और फिर उसके बाद मैं कैंपस के इंटरव्यूज में बैठा और कैंपस के इंटरव्यू में मुझे आईटीसी लिमिटेड ने सिलेक्ट किया। आईटीसी आईटीसी, वेरी गुड वेरी गुड, यस ओके। सो आफ्टर दैट दे हैव गिवन मी द रोल ऑफ मैनेजर फाइनेंस फॉर देयर एग्रीकल्चर बिजनेस एंड द होल एग्रीकल्चर बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। यस, तो आई एम करेंटली इन आंध्र प्रदेश फॉर माई जॉब पर्पस। वेरी गुड। टॉकिंग अबाउट माई बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम बराकर वेस्ट बंगाल, इट्स नियर टू कोलकाता। बट फॉर माई एकेडमिक्स मैंने पूरे 4 ईयर्स अराउंड कैलकटा में ही स्टे किया है। वहीं से मैंने प्रिपेयर किया, वहीं फिर एग्जाम मैंने अपने घर से दिया, पर बाकी सारा एकेडमिक्स प्रिपरेशन मैंने कोलकाता से किया। सो आफ्टर कोलकाता इट इज माई सेकेंड प्लेस दैट आई हैव मूव फॉर माई जॉब पर्पस। तो आर्टिकलशिप भी मैंने कोलकाता से किया है। सो मेरा वाइड नेटवर्क कोलकाता में था। अब इट्स नाउ अ न्यू चैलेंज एंड अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू नो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ओवर हियर। ओके सो देखो, हम लोग क्या करते हैं हर्षित, ऐसे हर संडे कुछ स्टूडेंट्स को हम लोग एक स्पेशल बैच बनाए हैं। उस बैच का नाम दिए श्योर शॉट बैच, और उस बैच में हम लोग ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को चुन के लेकर आते हैं, और आप जैसे लोग से हर संडे मिलवाते भी हैं, और उनको स्टडी कैसे करना है, स्टूडेंट लाइफ को कैसे सजाना है, उसके ऊपर बात करते हैं।
तो क्योंकि बाकी तो ज्ञान है ही कि हाँ चलो ये करना है करना है करना है, चलो ठीक है वो तो है ही, बट जो चीज एक स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देता उस चीज पे ध्यान ला रहे हैं। तो जैसे आज हम लोग बात कर रहे थे सर्कल के ऊपर, तो व्हाट यू थिंक, मतलब व्हेन यू वेर डूइंग दिस कोर्स फ्रॉम अ सिटी व्हिच इज वेरी स्मॉल, मतलब टाउन बोलूंगा मैं, सिटी क्या बोलूंगा, बराकर में रहकर इतना बड़ा सपना कि सीए बनना है, तो हाउ दैट ट्रांजिशन हैपेंड, मतलब वो सोच कैसे आई, कैसे वो कंसोलिडेटेड रहा और क्या चैलेंजेस आए, और फिर वहां से मान लो लेवल पे आप आ गए आज आईटीसी, मतलब वही इंसेक्ट टू ड्रैगन फ्लाई जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो उसमें क्या चीज का रोल बहुत बड़ा था। तो इट इज लाइक बराकर, अगर एज अ टाउन बराकर देखे तो वहां पे बहुत ही कम सीए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैकग्राउंड टच सीए का वहां मुझे नहीं मिलता, पर क्योंकि मेरा एक माइंडसेट, जब मेरा क्लास 12 पार हुआ तो मेरा एक माइंडसेट था कि नो आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कैसे सो पता चला आपको? ये क्योंकि पता चला, मतलब एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लाइक अकाउंट्स फ्रॉम क्लास 11 एंड 12 आई वाज, मतलब मुझे अकाउंट से बहुत ही प्यार था, लाइक आई वांट टू फर्दर गो इनटू अकाउंट्स, ऐसा था। पर फिर आप एक अकाउंट्स का कोर्स है, ये दूसरा, पर सीए में ये देखा कि नॉट ओनली अकाउंट्स, इसमें टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ, वेरियस फील्ड्स का टच मिलता है। सो इस वेरियस फील्ड को जब हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे तो करियर अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए बहुत ओपन हो जाएगा। इफ आई रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू अकाउंट्स तो फिर मेरा एक अकाउंटिंग फील्ड ही रह जाता, पर नाउ टुडे मेरे पास अकाउंटिंग फील्ड है, फिनेंस फील्ड है, कंप्लायंस फील्ड है, टैक्सेशन फील्ड है, ऑडिटिंग फील्ड है, मेरे पास 5 to 6 अपॉर्चुनिटीज ओपन था। तो ये सब मुझे ड्राइव किया कि नो आई शुड गो फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। लाइक एक और चीज था कि एक अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक स्पीच में बोला था कि एक सीए की साइन में उतनी ताकत है जो कि प्रधानमंत्री के साइन में भी नहीं है, जब उन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंट कराया था स्पीच पे। तो वो एक तो मतलब मोटिवेटिंग और ड्राइविंग स्पीच था कि नहीं, जब प्रधानमंत्री खुद आके एक नेशनल फोरम पे ये चीज बोल रहे हैं तो अगर हम फ्यूचर में जाके अब साइन करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा उस साइन का। तो वो एक अंदर से ड्राइव करती थी कि नहीं, जो अभी मेरा जो ये ऑर्डिनरी साइन है, जो भी हम बैंक में जाके या कहीं पे जाके साइन करते हैं, वो एक किसी दिन कोई रिपोर्ट में साइन आएगी, ये बड़ी कंप्लायंस में साइन होगी। तो वो सब मुझे ड्राइव किया कि नहीं, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स परस्यू करना चाहिए। तो अब सोच तो लिया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स परस्यू करना है, पर व्हाट हैपेंड कि अब गाइडेंस क्लियर नहीं है, क्योंकि उस समय ये था कि बस फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, मुझे बस इतना पता था कि ये तीन स्टेजेस है और इसमें ये सब्जेक्ट है, पर इसमें कितने चैलेंजेस आएंगे, कितने लेवल्स में कितने टफनेस हो जाएंगे, ये आई मैंने डिडंट हैव एनी क्लियर आइडिया। सो उसके लिए हम क्या किए कि लाइक बराकर इज अ वेरी स्मॉल टाउन, सो उसमें द नंबर ऑफ सीएस आर वेरी लेस, सो इट इज इजी दैट पीपल नो ईच अदर बाय देयर नेम ओनली, एंड व्हेन यू गो टू मीट देम दे विल रिकॉग्नाइज यू। किसका किसका छोरा है? हाँ, किसकी को छोरो है। सो इट वॉज लाइक आई वेंट टू देम कि मुझे सीए परस्यू करना है, तो मुझे आपका कुछ 10 to 15 मिनट चाहिए सो दैट मुझे एक रोड मैप आप दे सको। सो दे वर वेरी विलिंग, ओके कि कोई इतना एस्पिरेशन लेके मेरे पास आया तो आई शुड गाइड देम। बट एक प्रॉब्लम वहां पे ये हुआ ना कि मोस्ट ऑफ देम वेयर मतलब लाइक 10 to 12 अटेम्प्ट सोल्ड। अब उसके बाद तो कोर्स भी चेंज हो गया, तो वो मुझे एक रोड मैप तो दे दिए, अपना चैलेंजेस बता दिए, पर वो क्लियर पिक्चर मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए मैं कैलकटा आया, कैलकटा में मेरा नानी घर है तो वहां मैंने स्टे किया। स्टे करके जो ये सेशंस ऐसे होते हैं कि लाइक हाउ वाई टू परस्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में क्या क्या चैलेंजेस है, अटेम्प्ट किया, उसका अपना नोट्स बनाया और अपना मतलब मेरा स्ट्रेंथ एबिलिटी को मैंने फिल्टर करके देखा कि हम हाउ वेल आई एम फिटिंग इनटू दिस स्टडी। सो इट वाज लाइक मेरा लाइक प्रीवियसली माय मैथ्स वाज वेरी वीक, मतलब लाइक इन क्लास 11 एंड 12 मैथ्स वाज यूज्ड टू फियर मी अलॉट, बट हियर मैथ्स में का उतना नहीं था एक्सेप्ट फॉर फाउंडेशन, दैट टू अ स्मॉल पार्ट। सो ये था कि ओके नाउ मेरा इसमें तो वीकनेस है ही नहीं, अब तो यहाँ पे मुझे उसको बेटर करना है। सो इट वॉज लाइक मैथ्स फाउंडेशन में, सो आई शुड वर्क हार्ड ऑन मैथ्स। तो फर्स्ट स्टेप मेरा फाउंडेशन था, फाउंडेशन में लाइक एवरी सब्जेक्ट
ये प्लान बनाया अकाउंटेंसी, ओके इट वाज फ्रॉम क्लास 12 एंड अकाउंटेंसी मेरा फेवरेट है, तो उसको हम अकॉर्डिंगली प्ले किए। तो हर स्टेजेस में एक फैक्टर मुझे जो सबसे ज्यादा ध्यान मैंने अच्छा लगा कि आप सबको, या मैंने खुद अपना एक स्ट्रेंथ पॉइंट भी बनाया और एक अपना वीक पॉइंट भी बनाया कि अच्छा ये सब्जेक्ट मेरे लिए एक स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है, इस पे हम आराम मेरा बहुत अच्छा ग्रिप रहेगा, और एक वीक सब्जेक्ट है कि ओके इसमें मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट काफी है आपको वो रोकने से। तो वो सब्जेक्ट आपका, आप जब एग्जाम में बैठने से पहले ये आप नहीं बोल सकते कि ये मेरा वीक है, नहीं ये अब तो ये सब्जेक्ट भी हम पास कर लेंगे, इस तरीके से उसमें मेहनत करना है। तो अब इसमें ये इसमें सर्कल ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि लाइक मैथ्स, मैथ्स मेरे को वीक है, और तो मैथ्स का मेरे पास जो मेरे स्कूल से ही अटेम्प्ट स्कूल के या जो मैंने जहाँ कोचिंग लिया था वहां के मैंने कुछ कुछ बच्चे इसको रिकॉग्नाइज किया कि लाइक ओके दे वेर माई फेलोज एंड दे आर वेरी गुड इन मैथ्स। तो हमने एक अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये एक डिसिप्लिन रखा था कि लाइक एनीवन जिसको भी कुछ प्रॉब्लम होगा वो उसका फोटो शेयर करेगा और कोई ना कोई इधर उसका सॉल्व किया हुआ हो या अगर नहीं भी सॉल्व किया तो सॉल्व करके उस ग्रुप में उसका सॉल्यूशन पोस्ट कर देगा, सो दैट कोई एक जगह स्टक नहीं हो जाए। तो आफ्टर कोचिंग हम लोग ये होता था कि लाइक जाके अपना जब सेल्फ प्रैक्टिस करते थे और कहीं डाउट आता था तो वो बहुत अच्छे से ग्रुप में डालो तो अराउंड 10-15 मिनट्स में सबका क्लियर हो जाता था। तो एक ये प्लेटफॉर्म हम लोग को वहां से मिल गया कि ओके अब अगर हम लोग ये कोचिंग कर रहे हैं और संघ में अगर एक जगह बैठ के नहीं भी पढ़ पा रहे तब भी हम लोग पास एक प्लेटफॉर्म है कि हम लोग कहीं स्टक नहीं हो, हम लोग का डाउट रिजोल्व हो। ये चीज अब मान लीजिए ऑनलाइन में कैसे होगा, जो लोग घर से पढ़ते हैं वो कैसे करेंगे ये चीज? तो जैसे ये चीज मैंने भी अपने सीए फाइनल के प्रिपरेशन में किया कि लाइक टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स है, लाइक क्वेरी ग्रुप्स है, ये सीए जो अटेम्प्ट स्पेसिफिक है उसके भी ग्रुप बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि उसमें एन नंबर ऑफ मेंबर्स, पास्ट मेंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, करेंट में जो परस्यू कर रहे वो भी ऐड हो जाते हैं, कुछ कुछ वहां पे बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी और नॉन इम्पोर्टेंट भी बात होते हैं। तो लाइक प्रीवियसली जब आप स्टार्ट उसमें एंट्री कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाओ ग्रुप में, आप भी जो कोई क्वेरी पोस्ट कर रहा है उसको उसका आप रिप्लाई करो, सही सही रिप्लाई जो आपको पता है वो रिप्लाई करो, उस ग्रुप में एक्टिव हो जाओ, सो दैट आपका उस ग्रुप में एक रिकॉग्निशन हो जाए, ओके दिस नेम एक बंदा इस ग्रुप में है एंड वो रिप्लाई करता है। तो वो चैनल से ग्रुप में आप जोड़ के जब आप किसी को भी रिप्लाई करोगे ना, श्योर शॉट उसका आपको पर्सनल डीएम भी आ जाएगा कि ओके आप ये नहीं बोला, मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे थोड़ा सा इन डेप्थ में समझा सकते हो क्या? तो उससे आपका 10-15 जन का इजिली एक कनेक्शन बन जाता है, तो आपको पर्सनल उसमें आ जाता है। और ये एक ऐसा स्टेज है जब हम लोग अभी कोई फिजिकल हम लोग के पास पढ़ने का वो नहीं है, तो एवरीवन इज फाइंडिंग अ पार्टनर कि हाँ मेरे को एक पढ़ने के लिए एक साथी मिल जाए जो सिंसियर है। तो आप जब कन्वर्स कर रहे हो तो अपना एक लाइक माइंडेड पर्सन खोज लो कि ओके हाँ ये भी मेरे जैसा है, ये भी ऐसे पढ़ा और इसका आइडियाज बेटर है, आई कैन यूज, मैंने उससे हम ऐसे बेनिफिट कर सकते हैं और ऐसे उसको बेनिफिट हम दे सकते हैं। सो दैट आप लोग या तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे कंटिन्यू कर लो अपना क्वेरी पोस्ट करना, या तो आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप और अलग से टेलीग्राम ग्रुप 20-25 पीपल अराउंड का बना लीजिए। तो उससे क्या होगा कि एक डिसिप्लिन मैनर में आप अपना क्वेरी पोस्ट करके रिजोल्व भी करवा सकते हैं और संग में ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। इसी चीज का सॉल्यूशन इन लोग के लिए किया गया है। देखो टेलीग्राम अभी क्या है ना, आज के जमाने में मेरे विचार में टेलीग्राम वगैरह वो फ्लडेड हो गया, ओवर फ्लडेड। वंस यू गो इनटू अ ग्रुप देयर आर 2000 मैसेजेस, सो यू कांट फॉलो एनीथिंग। सो इसके लिए हमने ये बैच जो बनाया वो इसी सोच से बनाया है कि आप एक इस बैच में आ जाओ और इस बैच में एक स्पेसिफाइड लोगों का ग्रुप है जो कि इन लोगों का रूटीन भी एक साथ चल रहा है, का पूरा रूटीन भी मैच्ड है, तो एक ही रूटीन पे चल रहे हैं। तो आप क्वेरी डालते हो, सबको पता ही है कि मैं भी वही पढ़ रहा हूं, तो आंसर खट से आ जाता है। तो दिस इज द मतलब पॉइंट, मतलब आपको देखो क्या समझना है हर्षित से कि दिस इज द वे, डिजिटल वे, डिजिटल वे में आपको ग्रुप में क्वेरी डालना है और ग्रुप में क्वेरी आंसर भी करना है। And it's a give and take relationship. पहले आपको आंसर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, आप हेल्प करोगे तो आपसे भी, आप भी कभी को पोस्ट करोगे तो लोग आपको हेल्प करने रेडी हो जाएंगे। तो यू कांट जस्ट, क्या होता है बच्चे क्या होता है ना, ऐसे कोई को हेल्प नहीं करते हैं, किसी को हेल्प नहीं करते हैं, कोई ग्रुप को देखते नहीं है, खुद का क्वेरी आता है डालते हैं और फिर बोलते हैं मेरे को रिप्लाई नहीं करता है, ये बच्चों का प्रॉब्लम है।
वो ग्रुप में हम डाला था, कोई रिप्लाई नहीं किया। अरे तो भाई जब कोई और डाल रहा था तो तूने रिप्लाई किया था क्या? बोला नहीं हम नहीं देखता है ग्रुप। तो सीधा जब नीड होता है तब डालते हैं और फिर सॉल्यूशन मिलता नहीं है तो कोई उनका होता नहीं है हेल्प करने वाला। खैर व्हाटएवर, इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर दिया कि चलो आपको ऐसा भी कभी कोई दिक्कत हो तो आप सर से व्हाट्सएप में बात कर सकते हो, तो भी सॉल्व है। बट पॉइंट ये कि जो आपने ग्रुप का बात बताया वो भी ठीक है, अब सब्जेक्ट्स का आपने बात बताया ये भी ठीक है कि सब्जेक्ट में मैथ्स वीक था तो उसके ऊपर काम किया। तो मैं ये बोल रहा था कि सर्कल, फ्रेंड सर्कल का क्या रोल रहता है? सो लाइक फ्रेंड सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हम लाइक वी से ना कि वाइब अट्रैक्ट्स मेनी थिंग। जिस सर्कल पे आप है उसका आपको एक वाइब आएगा और वो वाइब आपको ना कॉन्फिडेंस या डीमोटिवेटेड फील कराएगा। सो इट इज लाइक अगर आप नेगेटिव वाले नेगेटिव पीपल है, ओके मतलब नेगेटिव पीपल इट इज नॉट टू क्लासिफाई देम नेगेटिव, वो लोग कुछ जब कोई टेंशन वाली मोमेंट आती है या पैनिक वाली मोमेंट आती है तो वो तुरंत पैनिक होके या फ्रस्ट्रेट होके नेगेटिवली सोचने लग जाते हैं। इट इज नॉट दैट दे आर ऑलवेज नेगेटिव, पर एक यही एक पॉजिटिव होता है कि वो उसमें एक चैलेंज देख के उसमें मेथड देखता है कि हमको इसको ओवरकम करना। सो इट इज लाइक आप जैसे ग्रुप में रहोगे वैसा आप एक वाइब अट्रैक्ट करोगे। इफ अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत एक पॉजिटिव है तो आप उसके स्टाइल को देखो कि जब उसके संग कोई चैलेंज होती है या कोई उसके संग कुछ ऐसा होता है कि जो वो नहीं प्लान किया था तो वो उस मोमेंट से कैसे ओवरकम करता है, वो आप देखोगे। आप उससे वो डिस्कस करोगे कि ओके कि आपने इसको फेस करने के लिए हिम्मत कैसे लाया, तो वो अपने बोलेगा कि लाइक देखो अपने अंदर ये सोचो कि दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज व्हाट आई एम एमिंग फॉर। सो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी देना पड़ रहा है और जो मेरे लिए, क्योंकि लाइफ में ऐसा नहीं हो कि हमेशा जो हमने प्लान किया ना वही होगा, हमेशा होना बहुत ही अलग होगा जो हम प्लान करते हैं, पर उसको कैसे हम लोग फील करके उसको माने फाइट करेंगे दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये सब एक ग्रुप लाएगा, तो ग्रुप में क्या होगा कि इफ यू आर स्टेइंग विद अ पर्सन जो कि बार बार अगर वो ध्यान नहीं दिया और ही इज इनकरिंग अटेम्प्ट्स टू अटेम्प्ट्स, तो आप जब पढ़ने बैठोगे उससे डाउट पूछोगे तो ही विल बी लाइक यार अरे भाई इसमें इतना मान रहा माथा मत लगाओ यार, ये तो ऐसे भी नहीं होता है, सब इसी में लटक के अटेम्प्ट लगाते हैं। पर ही विल नॉट सी दैट फैक्टर कि दैट 10-11% हु आर पासिंग एवरी टाइम, वो भी तो उसका आंसर या वो पार्ट पढ़ के लिखे है ना, तो व्हाई नॉट दैट 10-11% उन्होंने कैसे किया ये, वो आपको ये नहीं बताएंगे, वो आपको बताएंगे सब ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है। आप जब कुछ करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो एक अगर आपको अगर वैसे पीपल से आप कम अपना डेली कन्वर्सेशन अगर आप कम कर देते हो, लिमिट कर देते हो और मोर एंड मोर आप पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करते हो, ओके दैट विल इंस्टिल देम इन कॉन्फिडेंस। लाइक आई विल गिव माई पर्सनल एग्जाम्पल, कुछ एक दो सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा था कि जो सब्जेक्ट इतना बल्क था कि मेरे को लग रहा था कि आई वोंट कवर इट 100%। सो मेरे संग ऐसा था कि सीए फाइनल में आई लिमिटेड माई सेल्फ ओनली टू 3-4 पीपल सर्कल कि ओके आई विल ओनली डिस्कस विद देम, बट वो सब ऐसे थे ना कि मतलब लाइक हाँ तुमको करना ही करना है। सो वन डे आई कॉल्ड देम कि ओके आई एम लीविंग दिस वाइंडिंग अप चैप्टर, इसमें एग्जाम से नहीं पूछता है और आएगा भी तो यार ठीक है 4-5 मार्क्स देख लेंगे, नहीं अटेम्प्ट करेंगे छोड़ देंगे। वो मेरे को फोन में यही चीज बोला कि तुम गलती कर रहा है, तुम्हारा रैंक चला जाएगा इससे, 100% करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ ले, अगर वही पार्ट 8 मार्क्स का एमसीक्यू में आ गया तो एमसीक्यू में तुम तो खो दोगे मार्क्स। उसने मुझे एक तरीका बताया उससे फाइट करने का। फिर मैंने बोला अरे यार अब तो टाइम भी नहीं है, बोला टाइम क्यों नहीं है, 2 घंटा एक्स्ट्रा लगाओ पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे तो दूसरी बार ऑटोमेटिकली वो लर्निंग कर्व का इफेक्ट आएगा और वो कम देरी में हो जाएगा। तो जब मैंने पढ़ने बैठा तो मुझे 2 घंटे भी नहीं, 1.5 घंटे में वो पूरा चैप्टर हो गया और एग्जाम में 4 नंबर आए और मैंने 4 नंबर भी लिख दिया। तो मैंने साके थैंक यू भी बोला कि यार तूने मुझे बचा लिया। ग्रेट। तो ये सब सर्कल एक रोल प्ले करेगा। तो सर्कल क्या होता है आपको मतलब होता है ना कि वो लास्ट तक ले जाता आपको। अब बच्चे का सवाल ये है कि अब मेरे पास सर्कल ऐसा है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं? हाँ, तो इसके लिए 2-3 चीज है। लाइक अगर आप मतलब आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आर्टिकलशिप में आपके फर्म या आपके कोई फ्रेंड के भी फर्म है उसमें भी आपको बहुत सारे सीए एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जो कि ये इस बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। उसमें से आप किसी को भी देखोगे तो आपका एक वो बन जाएगा ओपिनियन, ओके नो दिस गाय इज वेरी मच फोकस्ड, आई नीड टू अप्रोच हिम।
और एक ये सबसे बड़ा फैक्टर आपको मन में डालना पड़ेगा कि आपको अप्रोच हमेशा करना पड़ेगा, कोई आपको अप्रोच करे ये जरूरी नहीं है, आपको अपने से एक स्टेप लेके कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक सर्कल में एंटर होना पड़ेगा, एक सर्कल फॉर्म करना पड़ेगा। तो आप अपने अटेम्प्ट्स में किसी जो आप बहुत पॉजिटिव है, फोकस्ड है, उसको अप्रोच करो, या आपके फर्म में ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रीवियस 1-2 अटेम्प्ट्स में वन शॉट में क्लियर किए हैं उसके उसको संग जोड़ो, और हमेशा उनके संग डेली कन्वर्सेशन सॉर्ट ऑफ मेंटेन रखो। लाइक आप पास किए फर्स्ट अटेम्प्ट में, पर आपने उसमें भी क्या मिस्टेक्स किया ये मुझे बताओ, तो आप उनका मिस्टेक्स नोट कर लो। तो ये वे से आप एक सर्कल बना सकते हो कि जब आप अपना फिजिकल जो आर्टिकलशिप है उसका फायदा उठा सकते हो, नहीं तो आपका फ्रेंड्स ग्रुप में अगर आप एक प्लेस पे हो जहाँ पे अगर नंबर ऑफ सीएस ज्यादा है तो वहां पे उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, या आप जैसे लिंक्डइन है, टेलीग्राम है, वहां पे भी अप्रोच कर सकते हो कि जो आपको मिलेगा पोस्ट डालते हुए हाउ टू डू, या जिनका प्रोफाइल आपको इंटरेस्टिंग लग रहा तो आप उनसे कर सकते हो कि कैन यू गाइड मी टेक आउट सम टाइम। तो एक टच आपको रखना पड़ेगा हर जन से, और फिर बाद में जब आप पूरे एक सर्कल फॉर्म कर लोगे तो आपको अपना देखना पड़ेगा ओके अब इसमें से मुझे ये बंदे से अभी डेली कन्वर्स करना है, सो दैट मैं एक टच पे रहूं या एक मोटिव पे रहूं। दिस इज हाउ यू कैन मेक योर सर्कल। सी वी आर एक्सप्लोरिंग, ओके, लोग आगे जो कर रहे हैं अभी आपके साथ, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि ओके या ये भी एक तरीका हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपको यही करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मैंने तो इनको सिंपल बोला है कि आप लोग ग्रुप में ही सबसे पहले हम लोग के जो संडे हम लोग के सेशन लेते हैं उसी में एक्टिव हो जाइए। दूसरा चीज, ग्रुप में हम लोग इसका ग्रुप बना रखे हैं उसमें एक्टिव हो जाइए। तो एक सर्कल तो रेडीमेड है, है ना, गोद में छोरा गांव में ढिंढोरा, आपका यहाँ पर सर्कल रेडी बैठा हुआ है। आप लोग एक दूसरे से बात तो करो, हेल्प तो करो, क्वेरी पोस्ट तो करो, क्वेरी तो जो पोस्ट कर रहा है उसको आंसर तो करो, देखो मैजिक कैसे होता है, फिर थोड़ा इनिशिएटिव लो, कभी कोई और तरीके से मिलने का प्रोग्राम बना लो, ऑनलाइन मीटिंग कर लो, कलकत्ता वालों का, दिल्ली वालों का, पता नहीं, वो आपको चूज करना पड़ेगा, एक्चुअली वो पता चल जाएगा। थोड़ा स्टेप्स लेना पड़ेगा, एक दूसरे से टच बना के रखना पड़ेगा जेन्युइन रूप में, तो काम होगा, गलत काम करोगे तो सर्कल टूट जाएगा। ग्रेट। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग वी वॉन्ट टू कन्वर्स एंड कम टू सम पॉइंट ऑफ कंक्लूजन कि अच्छा ये भी चीज ध्यान देना है। तो आपसे बात करके अभी तक ये समझ में आया कि जैसे आप बराकर से थे तो बंगाल आए, तो बंगाल आने से एक माहौल मिला, ठीक है, कलकत्ता है, मतलब कलकत्ता है तो माहौल मिला, ऐसे दूसरे शहर में जाने का परमिशन ही ना मिले किसी को तो घर वाले नहीं भेजे, तो आप तो लड़के थे चलो भेज दिया, तो अब वहां से कैसे करें? तो अगर किसी को परमिशन नहीं मिलता, सो नाउ उन लोग के लिए वो पॉइंट तो ओवर हो गया कि लाइक दे कांट गो आउटसाइड, नाउ जहां पे है वहीं पे करना पड़ेगा। पर इसको हम लोग अपने लिमिटिंग फैक्टर नहीं कंसिडर करके ये कर सकते हैं कि ओके जहां पे हम हैं वहां के जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां पे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर ले, और अगर ये रिसोर्सेज एनफ नहीं है तब भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि डिजिटल नेटवर्किंग, लाइक अभी जो आप लोग का ये ग्रुप बना हुआ है ये श्योर शॉट ग्रुप, उसमें तो पीपल फ्रॉम एन नंबर ऑफ प्लेसेस है, लाइक कोई कोलकाता से है, कोई दिल्ली से है, कोई जयपुर से, कोई बैंगलोर से, और एक चीज आपको ये हमेशा मिलेगा कि डिफरेंट प्लेसेस के पीपल का ना माइंडसेट एक डिफरेंट होता है। सो उसमें सबसे बेस्ट पॉइंट हो जाएगा कि आपको रेडिली ना एक आपके पास रेडिली एक रिसोर्स है कि आपके पास डिफरेंट माइंडसेट एक जगह कोलैब करेंगे। तो हो सकता है कि कोई चीज का थॉट पर्सपेक्टिव आपका अलग था, उसका अलग है, पर उसका अलग है, पर जब आपके पास तीन तरह का थॉट पर्सपेक्टिव मिल रहा है सो दैट यू कैन इजीली सिलेक्ट द बेस्ट पर्सपेक्टिव। तो जब आपका एक ये लिमिटिंग ही है कि अगर आप, और ये भी एक पॉइंट है कि हमें लास्ट में जाके इतना टाइम भी नहीं मिलता कि हम हर जगह जाके हर समय एक्सप्लोर करें, तो आपके पास तो ये रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज है। तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट सर ने भी बोला कि आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, ये कि बस आप एक साइलेंट रीडर होंगे ग्रुप में या साइलेंट बस व्यूअर होंगे उससे आप उसको फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। फुल यूटिलाइजेशन करके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। व्हेन कोई दूसरा क्वेश्चन पोस्ट करा तो आप रिप्लाई कीजिए, आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, या कोई को अगर हेल्प चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए तो आप उसे बोलिए ओके यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली ऑन अ कॉल,
एक कॉल में बात करो, उसका मोटिव समझो, ये सब सब आप अपना आराम से एक थोड़ा सा टाइम निकाल के कर सकते हो। और ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जो आप मदद करते हो ना, वो श्योरली किसी ना किसी तरह से आपको भी वापस एक रिटर्न में आता ही आता है। yes, ये पॉइंट yes. आप बहुत काम आएगा आपको। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो क्या देखो, अभी आज हम जब पढ़े थे ना, तो हमारे टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड था ही नहीं। मोबाइल भी हम लोग को, मतलब हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में एक मोबाइल होता था मैक्सिमम, मोबाइल भी नहीं था। तो अभी जमाना चेंज हो गया है। आप जब पढ़े तो चलो कोचिंग क्लासेस में जाते थे, फिर साइड में ग्रुप भी बना लेते थे, वो आपका जमाना था। अब एक जमाना और आ गया है। अब मान लो पोस्ट कोविड तो सब कुछ चेंज हो गया है। अब आप घर से ही पढ़ रहे हो। पहले क्या था ना, बराकर में रहकर सोच नहीं सकते थे कि हम सीए करेंगे। अब सोच तो सकते हैं, मान लो वहां पे दो चार सीए तो आर्टिकलशिप भी मिल जाएगा फॉर एग्जांपल। ये है कि सोच तो सकते हैं, आपको पूरा जर्नी में आपको आपके जगह पर, मतलब होता है ना, यहां पर आप हो, पहले जाना पड़ता था सक्सेस के लिए, स्ट्रगल करना पड़ता था। अब यहां पे ही सब कुछ आ गया है, तो आप बोल रहे हो कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो पॉइंट इज, हम लोग सिर्फ सीकर बन के बैठे ना कि भाई मेरे को जब प्रॉब्लम हो तब तुम लोग सॉल्व कर दो, तब तो ये ग्रुप काम का है। अदरवाइज ना हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना हम इंटरेक्ट करेंगे, ना हम किसी को हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूसरे जगह व्यस्त हूं। तो दूसरे लोग भी व्यस्त है भाई, आप लोग के लिए कोई नहीं हेल्प करेगा। हाँ, एज एस जेसी चलो मैं अलग एक टीम बना रखा हूं जो आपको सपोर्ट कर देगा। बट देखो, हमारा सपोर्ट थोड़ा फॉर्मल रहेगा। फ्रेंड्स का सपोर्ट फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट मैं नहीं दे पाऊंगा। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फॉर्मल सपोर्ट दे सकता हूं। एक फ्रेंड्स का एक अलग सपोर्ट होता है, वो लाइक माइंडेड पीपल से मिलता है। वो आप जितना बात मेरे से करोगे, ऑफकोर्स मेरे से आप फिल्टर करके बात करोगे, सर हैं क्या है ये बोले नहीं बोले। फ्रेंड्स से तो आदमी ओपन अप होता है ना, तो ये चीज बहुत जरूरी है, सर्कल को सही करना। इनफैक्ट अभी आप जैसे जॉब में हो, तो आपको ये आज जॉब वर्ल्ड में क्या लगता है ये सर्कल का इम्पोर्टेंस? सो लाइक इट्स लाइक, मतलब जब फर्स्ट डे अगर हमारा होता है, तो फर्स्ट डे इतने माने एन नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है, कैसा है, कैसा वर्क कल्चर है, कितना प्रमोशन मिलेगा, क्या मिलेगा, कितने टाइप है। तो अभी तक क्या होता था कि इट्स लाइक अभी जॉब में आने से पहले वी आर लिमिटेड ओनली टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ग्रुप और सम जो फ्रेंड्स है कुछ जो अदर फील्ड परस्यू कर रहे हैं, पर लिमिटेड माइंडसेट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तरफ ही रहता था। पर अब जब ये जॉब वर्ल्ड में मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी वाले भी है, एमबीए वाले भी है, फाइनेंस वाले भी है, एग्री वाले भी है। तो यहाँ पे सर्कल का क्या होता है, अगर आपको चाहिए कि नहीं, क्या मुझे डाइवर्सिफाइड नॉलेज चाहिए, मुझे हर जगह का एक्सपोजर चाहिए, तो आप एक ऐसा सर्कल में फॉर्म कर सकते हैं जहाँ की डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग है। और एक पर्सपेक्टिव है कि लाइक आपको सर्कल एक, यहाँ जॉब में सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा यार कितने काम कराते हैं ये लोग। आपको दो जन मिलेंगे, काम करो और अच्छा से, मतलब इतना मन से काम करो कि जो प्रमोशन आपको 3 साल में मिलना है, आपको फोर्स हो जाए वो लोग प्रमोशन देने में 2 साल में। और एक होता है, नहीं यार 6 बज गया मेरे को तो अब घर जाना, हमको आराम करना है, मेरे से इतना काम नहीं। अगर ये आपका सर्कल में अगर आपको ऐसे मिलेंगे, तो आपको हमेशा लिमिट करेंगे और एक आपके माइंडसेट में ये इंस्टिल कर देंगे कि नहीं 6 बजे के बाद कोई काम नहीं करना। जबकि एक ट्रुथ है, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो कोई डिलीवरेबल्स है तो वो आपको देना पड़ेगा। और अभी तो इनिशियल स्टेजेस में आप तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करके वो रोड पे भी एंटर कर सकते हैं, जो कि रोड में 4-5 साल लगता है, पर आप अपने एफर्ट्स अपना मोटिव डेडिकेशन से 2-3 साल में अटेंड कर सकते हैं। तो आप हमेशा जो प्रमोशन सीख कर रहे हो उनके संग मत रहो, जो प्रमोशन ले चुके ना, क्योंकि उनके पास है कि उनके पास प्रमोशन मिला तो उनके पास कुछ एबिलिटी स्किल्स है, तो वो आपको बेटर गाइड करेंगे कि नहीं तुम्हारा यहाँ पे लैगिंग है, तुम यहाँ पे देखो इम्प्रूव करो, यू विल गेट थ्रू दैट। So this is how in the corporate world also the profile money, the circle will help you. Yes, मतलब corporate में भी एक एक लोग होते हैं जो बोलते हैं कि काम है तो करो, खत्म करो, और एक लोग होते हैं जो बोलते हैं कि काम इतना कौन करेगा, क्रिप करते रहते हैं, मतलब क्रिप मतलब रोते रहते हैं।
क्या बोलते हैं बंगाल में, लोग खूब चापा छे बहुत एक चापा छे भाई तो चाप जिसको महसूस हो रहा है ना, वो अपना सक्सेस को कहीं ना कहीं रिटार्ड कर लिया है, और जिसको चाप नहीं महसूस होता है बोलता है चल बढ़िया काम तो मिला, तो आदमी ठीक सेल थ्रू कर जाता है, वो सच में 5 साल का मेहनत 3 साल में कर जाता है, मतलब तो रिवॉर्ड भी वैसा ही ले जाता है। कई लोग को ये पढ़ाई में भी ऐसा लगता है खूब चापा छे, इतना कौन पढ़ेगा, हम 4 घंटा पढ़ेंगे उसके बाद हम जाएंगे अपना अड्डा मारने। तो करते रहे ना, ये जो इस तरह से चलेगा तो तुम्हारा 10 साल में क्लियर होगा एग्जाम, क्या दिक्कत है। अब तुम चाहते हो कि 4 साल में तुम्हारे पंख निकल जाए, तो 4 साल में वो मेहनत तो उतना करना पड़ेगा ना, नहीं तो 10 साल लगेंगे तुमको। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इवन जब आप सोच लो आर्टिकलशिप में भी जब जाओगे, तो आर्टिकलशिप में भी आपका उस तरह का सर्कल बनेगा, सेम तरह का जो रोएगा हर समय खूब चापा छे इतना काम करवाता है, मतलब ये क्या थॉट प्रोसेस है भाई, इतना काम करवाता है, काम करके तो आदमी का पंख निकलेगा, इतना काम करवाता है बोलते ही माइंड उड़ जाता है उन लोग का, और ऊपर से वो घर में आके बोलेगा तो मम्मी पापा भी क्या बोल रहे हैं, अरे मेरा बेटा से इन लोग इतना निचोड़ता है, इतना इन लोग काम लेता है, क्या बोले चूस लेता है मेरा बच्चा को, मम्मी पापा भी आपका ईगो को सपोर्ट कर देता है, फिर कल सुबह आपका मन नहीं करता है उठ के जाने का, तो मम्मी बोलती है चल कोई बात नहीं बेटा, तो ठीक आज तू सो जा, आज इतना तो खटता ही है आज सो जा, बस वो जो हैबिट आ गया देन इट इज गॉन फॉर एवर। तो खटा रहे तो जाओ खटो, खटेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा, एंजॉय करो उस काम को, राइट। सो अच्छा एक चीज लास्ट क्वेश्चन है, आप मेरे को लगता है कि जैसे देखो एक बच्चे का ख्वाब क्या होता है कि मैं एक बड़ा का जैसे टाउन का बच्चे का ख्वाब बोल लो या फिर एक बच्चे का ख्वाब बोलो, मेरे को लगता है ऑलमोस्ट एक है कि मैं एक बार में पास कर जाऊं, पास कर जाऊं तो रैंक आ जाए, रैंक आ जाए तो एक अच्छा जॉब लग जाए, ठीक है अच्छा जॉब लग जाए, और अच्छा मतलब जॉब मतलब ऐसा जॉब जो जैसा आईटीसी जैसा कंपनी में जॉब, मतलब एक ड्रीम जॉब है, तो अब क्या खुश हो? यस डेफिनेटली, कि अभी भी खुश नहीं हो? नहीं, एक जैसे जैसे सर मैंने आपका एक वो फेलिसिटेशन सेरेमनी अटेंड किया था, तो उसमें आपने बताया था कि सबसे पहला मोटिव आपको एक क्लियर ये होना चाहिए कि आपका क्या मोटिव आगे लाइफ में। सो मोटिव मतलब एक सीए आपका ना वो मोटिव तक जाने का एक मींस है, ये आपका एंड गोल नहीं है। सो इट इज लाइक आपको अगर अपना एम क्लियर है क्योंकि आपको इसके थ्रू ऐसे सेल करना है, तो सब सेलिंग के लिए आपको एक चेक पॉइंट्स आएंगे, स्टेजेस आएगी, तो एक स्टेज तक के लिए ओके आई हैव डन इट, आई हैव अचीव्ड एंड आई हैव डन इट दैट वे, उसके लिए बहुत हैप्पी है। पर ये एक हैप्पी होके अपना और अगर आपका कोई डिजायर है, आप और कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसको रोक के लिमिट मत करो अपने आप को। अगर आपका यहाँ तक है कि ओनली यू हैव टू डू सीए एंड गेट इनटू सम जॉब, तो बहुत अच्छा है। अगर आप एक बार में क्लियर कर रहे, रैंक ला रहे, अच्छा जॉब मिल गया, और अगर आपके पास और कहीं फर्दर आपको और अपॉर्चुनिटीज है कि आपको और फर्दर स्टडीज करना, तो ये जो आपके संग जो पॉजिटिव है इसका वाइब को आप कैरी करके उससे भी उसमें भी आपको हेल्प होगा। So this is the way you can keep yourself happy every time. Point यही है कि नहीं, मैं आपको एक चीज पूछ रहा था कि पता ना जैसे क्लास टेन में था कि बोर्ड दे ले भाई तो फिर तेरा जिंदगी सही है, 12th दे ले भाई सही है, कॉलेज कर ले सही है, सीए कर ले सही है, रैंक ले आ सही है, जॉब कर ले सही है, तो अब क्या सही है कि अभी भी बाकी है? सर अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लाइक ये चीज सब जब मेरा एग्जाम जब सीए का रिजल्ट आया पास हुआ, तो सब पहले ऐसे ही था कि अच्छा सीए बन गया तो अब लाइफ सॉर्ट है, फिर उसके बाद मैंने देखा अच्छा रैंक में, तो उसके बाद एक और ऐड हुआ, अब तो सभी चीज सॉर्ट सेट है। पर ऐसा नहीं हुआ, जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू भी फिर हमारा सारा रैंकर्स के साथ हुआ, तो वो इंटरव्यू का लेवल भी इतना हाई लेवल था कि लाइक अच्छा अब हमें को इंटरव्यू के लिए भी मतलब इतना चीज इतना अलग डोमेन का पढ़ना पड़ा कि ओके कभी भी लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि अच्छा अब जॉब लग गया, ओके यस ठीक है, अब लाइक आईटीसी ने मुझे कैलकटा से निकाल के आंध्र प्रदेश में पोस्ट कर दिया, तो इट इज लाइक ओके लोकेशन
लोकेशन बैरियर है नहीं, इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग तो पूरा जगह एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। यहाँ पे अब आया तो सबसे बड़ा क्योंकि हम कोलकाता से, तो मेरा लैंग्वेज और यहाँ का लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट, यहाँ तेलुगु बोलते हैं एंड दे डू नॉट स्पीक हिंदी, तो यार यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मेरे को आ रहा है कि आई कांट कन्वर्स विद पीपल एक्सेप्ट इन इंग्लिश। सो ये भी एक मेरे न्यू अपॉर्चुनिटी की नाउ आई एम स्टार्टिंग टू लर्न धीरे धीरे इन तेलुगु, लाइक सम 3 to 4 वर्ड दैट इज कॉमनली यूज, नाउ आई हैव अंडरस्टूड एंड नाउ आई कैन स्पीक। सो इट इज लाइक, मतलब कभी भी एंड नहीं होगा कोई चीज का। जॉब में भी बहुत चैलेंजेस है, जो रोल मेरे को पुट किया गया उसमें इनॉर्मस चीज देखना है, तो अब उसको हर चीज के लिए आपका माइंड डेवलप होते रहेगा, एज अ चैलेंज को पॉजिटिव वे में लो, ओके अब ये नया सीखने को मिल रहा है, आज भी नया मजा आएगा, आज भी हम नया वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये अगर आप माइंड सेट लेकर चलेंगे तो आप हमेशा ही खुश रहोगे कि रात आपको सैड रहेगा, आज मेरे को इतना ये टफ काम है। टफ काम कुछ नहीं होता, उसको आप पॉजिटिव लो, अरे ये टफ काम तो दूसरे बच्चों को नहीं करने मिल रहा, ये मुझे करने मिल रहा, मतलब मुझे कुछ मेरे अंदर एबिलिटी जो मेरे को ये काम दिया गया, तो बस आपको वो खुशी होगा कि ओह मेरे को इतना रिस्पेक्ट मिलता। तो बेसिकली क्या है, इट्स नॉट एन एंड, इट्स अ जर्नी, ठीक है। तो जो चीज चल रहा है लाइफ में वो चलेगा, नए लेवल आते जाएंगे, ठीक है। तो जो माइंड में आप लोग के चलता है ना कि दिस इज इट, है ना, कि बस एक बार मैं ग्रेजुएशन कर लूं तो दिस इज इट, एक बार मैं सीए बन जाऊं तो दिस इज इट, ऐसा कुछ नहीं होता, दिस इज इट नहीं होता। दिस इज इट तभी होता है जब फटाक पर चले जाएंगे, देन इट विल बी दिस इज इट, और वो आपके हाथ में नहीं है। तो जब तक यहाँ पे है तब तक जर्नी है, एक खत्म होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आ जाएगा, तीसरा खत्म होगा चौथा आ जाएगा, वो बस आपको कैसे भी क्या था ना धक्का लगाने के लिए, बस तू इतना कर ले, स्मॉल मोटिवेशन देते है ना वैसा है, बट ये जर्नी चलते रहता है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि कभी भी ये मत सोचना कि अब आगे अगर मैं प्रमोट हो जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, ठीक है, ऐसा मत सोचना। आगे मैं अब घर ले लूंगा अपने लिए तब मैं खुश होऊंगा, क्योंकि जैसे घर ले लोगे फिर क्या होगा, अब गाड़ी लेना फिर खुश हो जाएंगे, तो ये तो एंड नहीं ना, गाड़ी ले लिए फिर क्या होगा, मतलब बड़ी गाड़ी लेंगे फिर खुश हो जाएंगे, अब बड़ी गाड़ी ले लें आप क्या, आप जॉब से मन उठता कि आप अपना धंधा करेंगे वो चल गया तो खुश हो जाएंगे, तो ये तो एंडलेस है ना, तो खुश कब होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए, खुश हर समय होना चाहिए, पर उसको इट नहीं मान के खुश होना चाहिए। हाँ एवरीडे खुश रहो ताकि हर चीज बहुत अच्छा लगे, पर ये नहीं कि मेरा सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि वांट हम लोग कभी सेटिस्फाइड होता ही वांट कभी एंड नहीं होगा, राइट। और खुश होना है तो अभी हो लो, हर रोज रहो, चलो तुम यहां खुश होने के लिए पीछे देखोगे, पीछे देखोगे कहां से कहां तो पहुंच गए, तो खुश होते रहोगे और खुश होते होते आगे बढ़ते जाओ, सब वो भी सेट हो जाएगा, क्योंकि तो पता नहीं लाइफ कब खत्म हो जाए, तो पता चला इतना तो कर ही लिया ना, बहुत खुश है, जो नहीं कर पाया उसको लेके दुखी नहीं होना, खुश रहोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे, सब चीज का असर होगा। ग्रेट, थैंक यू हर्षित, इट वॉज रियली अ ग्रेट ग्रेट इंटरेक्शन। एंड आप लोग भाई बंधु लोग, आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है हर्षित भैया से? यस सर, या सर आप हंस रहे हो, मतलब हंसना पाप है क्या, पूछो। एक्चुअली क्या इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, इसीलिए सर पूछो। सर हर्षित सर आपने एक बार मतलब मेंशन किया, एक बात आपने मेंशन की कि आपको मतलब एक टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा था और आपने एक दोस्त से बात किया और वो दो घंटे में मतलब डेढ़ घंटे में हो गया वो टॉपिक, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट करके बताइए ना, मतलब क्या था टॉपिक, कैसे अप्रोच किया उसे। ओके सो मतलब लाइक हमारा सीए फाइनल लॉ पे एक चैप्टर है वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप को अभी करंट सिनेरियो पे रिप्लेस कर दिया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वाइंडिंग अप कम रहता है, एंड वाइंडिंग अप इज अ वेरी वास्ट चैप्टर, तो हमारे स्टूडेंट का माइंडसेट ये रहता है यार 4 मार्क्स के लिए इतना पेज क्यों पढ़े, तो हम लोग उसको प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं कि ठीक है बाद में पढ़ेंगे, बाद में इवेंचुअली हम लोग बहुत मेजरली नहीं पढ़ते,
पर जब आपका एम बहुत हाई रहता है ना, और सीए को आप सीए फाइनल एग्जाम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या पूछेगा इंस्टीट्यूट, उससे भी 8 नंबर्स पूछे हुए, 10 नंबर्स पूछे हुए, तो मेरा भी एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि प्रोकास्टिनेट करते करते मुझे लगा कि ठीक है यार छोड़ देना चाहिए, 4 नंबर आएगा इतना रिस्क ले लेते हैं, बाकी कहते पेपर मुझे आता है ना उसे निकाल देंगे। तो मैंने उस जब अपने दोस्त से बात किया तो उसने बोला कि ठीक है तुम अगर वो ऑप्शनल में आएगा तो निकाल देगा, पर अगर वो एमसीक्यू में आ गया तो वहां तो तुम्हारा मार्क्स गया, और एमसीक्यू का मार्क्स इज लाइक बहुत अच्छा मार्क्स है, लाइक अगर एमसीक्यू में इजीली आप अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हो तो वहां पे तो तुम लूज कर दोगे। तो मुझे एक पॉइंट उसने ये बोला कि कभी भी मन में ना कोई चीज को इतना बड़ा मत बनाना कि वो इतना भारी है, तुम एक बार पढ़ो तो उसको, तुम चालू ही नहीं किया उससे पहले तुम बोल दे इतना वास्ट चैप्टर, उसमें तुम पढ़ेगा तो तुमको लगेगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स तुमको ऑलरेडी आता है, तो वो पॉजिटिव माइंडसेट जब हम बैठे तो अच्छा पहला दो पेज हमको लगा नहीं नहीं सच्ची में घटिया, पर उसके बाद एक फ्लो बना तो ऐसा फ्लो बन गया कि ओके 2 घंटे को मैंने 1.5 घंटे पे कर दिया, और फिर जब नेक्स्ट बार वो फर्दर रिवाइज करने के लिए बैठा तो लगा नो यार यार ये चैप्टर तो ठीक है 4 मार्क्स का अच्छा इजी दे के जा रहा है 4 मार्क्स मेरे को, बस ऐसे करके एग्जाम में भी आया, एग्जाम में भी लिखा मैंने वो। ओके और मतलब पढ़ा कैसे, मतलब क्या चीज़ पढ़ा कैसे सर, मतलब हाँ पढ़ा उस चैप्टर को, हाँ उस चैप्टर को जो मैंने रिसोर्सेज यूज किया था उस रिसोर्स में वो चैप्टर था, अब क्योंकि मेरे को मन नहीं था तो लाइक इट्स ये आपका YouTube में बहुत रिवीजन वीडियोस या समरी वीडियोस या ऑडियो वीडियोस अवेलेबल है, अगर आपको उसमें लग रहा है कि कंफर्ट की नहीं मेरे को एक बार वो सुन के ही फिर हमको रीड करना चाहिए तभी मेरे पास होगा तो आप उसको वैसे भी पढ़ सकते हो, या मेरे को लगा कि नहीं ओके ठीक है मेरा बुक में मार्क किया हुआ, जब टीचर ने जब मैंने क्लासेस में किया था तब मुझे वो मार्किंग किया हुआ तो मेरे को मार्किंग में मेरा ठीक है कि यार मैंने मार्क किया तो ये जरूर है और सर ने मार्क कराया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने फर्स्ट फोकस किया, तो एक ग्रिप बनते गया, एक मन में फ्लो चार्ट हो गया कि ओके ओके इस चैप्टर को ऐसे 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 से प्रोसीड करना है, तो उस वे से आप उसे रीड करके समझ सकते हो। ओके सर थैंक यू, और सर मैंने आपको लिंक्डइन पे भी फॉलो किया है। हाँ श्योर सर, और कोई क्वेश्चन जल्दी, किसी को कोई सवाल है? मेरा एक क्वेश्चन था कि जब आप डिग्री परस्यू कर रहे थे तो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे आपके? नहीं पूरा मुझे सुनाई नहीं दिया। मोटिवेटिंग फैक्टर्स व्हाइल यू आर परस्यूइंग योर डिग्री? यस। हाँ ओके, सो ये ऐसा था ना, मुझे मैंने बोला कि लाइक एक मैं तो एक स्मॉल टाउन से था, वहां पे नंबर ऑफ सीएस बहुत कम थे, तो लाइक वहां पे जब कोई सीए आता था ना ये कंप्लायंस कहीं पे भी था तो उसको सब सीए बाबू साहब जी फिर कैसे बोले, तो वो एक रिस्पेक्ट फैक्टर आपको मिलता है ना, वो आपको सुन के ना बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि एक सीए की सिग्नेचर की ताकत बहुत ज्यादा होती है, फिर इंडिया में तो यहाँ पे इतना है कि एक सीए को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, तो पहली बात तो एक वो रिस्पेक्ट लेना था कि हाँ ये एक रिस्पेक्ट अपने आपको अपना रिस्पेक्ट खुद बनाना है, तो एक मेरे को ये मोटिव मिल रहा है रिस्पेक्ट बनाने के लिए। फिर फर्दर ये था कि मेरे को जिस जो इंटरेस्ट क्योंकि मेरे को डाइवर्सिफाइड फील्ड में अगर ये कोर्स मेरे को उसमें एक एंट्री अपॉर्चुनिटीज देगा तो हम इसको एज अ पॉजिटिव मेरा ये रहेगा कि इससे हम एंट्री करके इतने डाइवर्सिफाइड फील्ड में एंटर कर सकते हैं, और सबसे पहला चीज मोटिवेटिंग फैक्टर है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि ओ नहीं हम आई एम सो मच एबल कि आई विल श्योरली क्रैक दिस, ये श्योर शॉट एकदम होगा, तो वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। थैंक यू वेरी मच, वेलकम, वेरी नाइस। एनी अदर लास्ट वन? दैट्स इट, चलो ग्रेट, थैंक यू हर्षित, थैंक यू सर, थैंक यू।